प्रदर्शन है अपनी मूलभूत सुविधाओं की डिमांड पिछले 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। मेरा एक प्लॉट नगर परिषद ने आवंटन किया था और अभी आपने देखा होगा कोर्ट के सामने जो है कोर्ट बन रहा है वहाँ पे मेरा मकान मुझे बनाने की बहुत इच्छा है। लेकिन जब मैं उस कॉलोनी में जाता हूँ और दूरदर्शा देखता हूँ कि वहाँ पर तो अभी पानी बिजली और पोल ही खड़े नहीं है तो सीवरेज तो बहुत दूर की बात है, तो कैसे मैं मेरा मकान बना के यहाँ आके और इस जंगल में कैसे रहूँ। तो ये जंगल राज जो है वो बहुत ही गलत है और पिछले 20 साल से ये हमारे सब भाई लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से भी प्रयास किया गया लेकिन ढाक के 3 बात वही है। तो इसलिए आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं इस शहर की सरकार, इस राज्य सरकार और इस नगर परिषद तीनों को यहाँ चेताना चाहूँगा कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी मांगे मान लें, अन्यथा हम जो है वॉकआउट करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में बता देंगे कि शहरवासी अपनी सुविधाओं के लिए कैसे लड़ते हैं। पिछले 15 साल से नगर परिषद राउंडन कॉलोनी में 3500 मकान वहाँ प्लॉट है, वर्तमान में 1200 वर्तमान में निवास करते हैं। डेली का लोगों के 2000 का पानी आता है। हमने पिछले 5 महीने से MLA के पास 3 बार गए, हमने साहब ने नगर परिषद को फोन किया लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं, किसी हमने जनप्रतिनिधि को किसी को छोड़ा नहीं है। इवन हमने कलेक्टर साहब को भी कई बार कह चुके हैं लेकिन उनके पास कोई फर्क पड़ गई, उनकी बेरिंग ये नगर पालिका कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हम धरना जारी रखेंगे, ऊपर आंदोलन करेंगे। सुविधा पानी सिवरेज कोई सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, रोड लाइट नहीं है, रोड टूटी हुई है, तार टूटे हुए हैं, मेन सिवरेज की समस्या है। कौन सी कॉलोनी का मामला है? कॉलोनी का सबसे शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, उसमें कोई सुविधा ना, कोई चीज नहीं है।